असल में मैं भी एक गांव से ही बिलोंग करती हूँ, छोटे से मतलब एक छोटे से महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से निकली हूँ। तो वहाँ पे बचपन से ही जो शिक्षा हमने भी हासिल की वो काफ़ी कठिनाई से हमको देना पड़ा है जहाँ से हम निकले, क्योंकि गांव में आप जानते ही हो कितनी स्कूल पूरी तरह से नहीं होते हैं। कहीं किसी गांव में चौथी तक स्कूल है तो दूसरे गांव में सातवीं तक स्कूल है, दूसरे गांव में जाना पड़ता है सातवीं तक के लिए, उसके आगे की पढ़ाई के लिए तीसरे गांव में जाना पड़ता है, उसके आगे की पढ़ाई के लिए चौथे गांव में जाना पड़ता है। तो वो जो गांव छोड़ के भी दूसरे गांव में जाने तक का भी संघर्ष काफ़ी वो होता है, मतलब हर घर उसके लिए हर परिवार तैयार नहीं रहता है मानसिक रूप से। जितनी शिक्षा गांव में मिलती है आसानी से उतनी ही शिक्षा बच्चे ले पाते हैं, उसके अगले गांव में जब भी जाना होता है तो परिवार की स्थिति उस तरह की नहीं होती है या मानसिक स्थिति नहीं होती है कि घर से बाहर जाने देने के लिए। तो कई बच्चे जो होते हैं जितनी शिक्षा गांव में मिलती है उतनी ही ले पाते हैं, आगे की नहीं ले पाते हैं। वैसा हमारे समय भी जब हम निकले घर से बाहर तब भी हुआ, और ऐसे कम कितना परसेंटेज होता है जो गांव से शहर तक जाते हैं शिक्षा लेने के लिए। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि माता पिता उसके लिए एक तो मानसिक रूप से तैयार होते हैं, दूसरी आर्थिक मदद भी कर पाते हैं। तो ऐसा परसेंटेज बहुत कम देखने में आता है शिक्षा के तौर पर। आजकल थोड़ी स्थिति बदली है, उस स्थिति को थोड़ी बदलते हुए हम देख रहे हैं कि परिवार थोड़ा समझ रहे हैं कि आज के ज़माने में शिक्षा ही सब कुछ है ना, शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं। जैसे अम्बेडकर ने कहा है ना कि शिक्षा वो चीज़ है जो शेरनी का है ना, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, वैसी वाली चीज़ है। तो इसलिए थोड़ा सी मानसिकता बदल रही है ऐसा मैं समझती हूँ। जो भी माता पिता भी जो संघर्ष कर रहे हैं, जो आर्थिक संसाधन जुटा रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि अपने बच्चे पढ़े, जो हमने कर पाए हैं वो हमारे बच्चे करें। ऐसा माता पिता भी थोड़ा सा उस दिशा में सोच पा रहे हैं और घर से बाहर जाने वाले बच्चे पे थोड़ा विश्वास कर पा रहे हैं और उस तरह की तैयारी कर पा रहे हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। लेकिन फिर भी जैसे हम देखते हैं, अगर बात हम पूरे देश की करें तो वो परसेंटेज बहुत कम होते हैं, है ना। अगर हम